नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। दोस्तों, एसटी एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन के विषय में आपने सुना होगा या जाना जरूर होगा। क्या यह आप जानते हैं कि जनरल कास्ट को भी एक इस तरह का व्यवस्था कर दिया गया है कि उनको भी अब रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा। तो क्या व्यवस्था है, किस परिस्थितियों में इसका लाभ मिल सकेगा, आज का वीडियो इसी विषय में संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, जिस रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं वह पहली बार जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलने जा रहा है और इसका नाम है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीक कास्ट सेक्शन, जिसे आर्थिक पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट या आरक्षण कहा गया है। इस प्रकार का आरक्षण उन आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को दिया गया है जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है। इस आरक्षण का लाभ वही व्यक्ति ले सकेंगे जो कि इस कैटेगरी के हैं या कवर में आते हैं। किसी भी प्रकार की शिक्षा एवं नौकरी में जिस प्रकार एसटी एससी ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों को संबंधित सर्टिफिकेट लगाने से आरक्षण मिलता है, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाने से जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इस ईडब्ल्यूएस की खास बात यह है कि यह मात्र जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों को लिए लागू होगा, यानी 10% आरक्षण इसी कैटेगरी में आने वाले व्यक्तियों को मिलेगा। आइए जान लेते हैं यह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे व कहां से बनवाएं, व इसको बनवाने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें कितना खर्च आएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमें पहले यह निश्चित कर लेना है कि हमारे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक ना हो। यह सर्टिफिकेट आप किसी भी एजेंट या तहसील से बनवा सकते हैं और इसको अपने क्षेत्र के एसडीओ से भी बनवा सकते हैं। यदि राज्य स्तर पर इस सर्टिफिकेट को बनवाने जा रहे हैं तो फॉर्म में राज्य का नाम आएगा। यदि सेंट्रल का बनवा रहे हैं तो सेंट्रल ऑफ इंडिया फॉर्म में भरा जाएगा। इसमें आपकी बेसिक जानकारी भरी जाएगी, साथ ही इस फॉर्म के साथ आपकी आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वह डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, पैन आवश्यक रूप से होने जरूरी है। और कभी कभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जाति प्रमाण पत्र, यदि बीपीएल कार्ड हो तो वो, और आपका 3 महीने का लेटेस्ट स्टेटमेंट भी मांगा जाता है। इन दस्तावेजों में से पहले 3 दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं, बाकी 3 कंडीशनल दस्तावेज हैं। दोस्तों, यदि ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए लगने की खर्चे की बात की जाए तो इसे आप डायरेक्ट तहसीलदार या एसडीओ से बनवाते हैं तो मात्र 100 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन एजेंट से बनवाया जाए तो इस खर्चे में कुछ इजाफा होना लाजमी है। इस सर्टिफिकेट को बनवाने में करीब 1 माह से कम का समय लगता है। इस साथियों, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अधिकतर राज्यों द्वारा जारी कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मात्र उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो कि यह सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और जनरल कैटेगरी में कवर होंगे। यदि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया नहीं गया है तो आप इस कैटेगरी के पात्र होने के बावजूद भी इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकेंगे। यह रिजर्वेशन शहरी व ग्रामीण दोनों प्रकार के पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा और 10% रिजर्वेशन इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। अब यह न्यू प्रकार का रिजर्वेशन उन व्यक्तियों को जरूर हेल्प करेगा जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, अभी तक देखने में आया है कि वर्षों से जातिगत आधार पर लगातार रिजर्वेशन चला आ रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पहला रिजर्वेशन है जो कि आर्थिक आधार पर जारी किया गया है। इससे उन जनरल कैटेगरी के लोगों को राहत जरूर मिलेगी जो गरीबी में जीवन यापन करते हुए भी शिक्षा व कैरियर के लिए जागरूक हैं। तो सभी पात्र व्यक्ति इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं।